तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द माय चैनल। आप लोगों का, बहुत सारे लोगों का क्वेरी आ रहा था कि मतलब BCCLE का प्रिपरेशन करना है तो कौन सा बुक ले और कैसे हम लोग पढ़ाई करें, कैसे इंग्लिश करें, कैसे मैकेनिक्स को करें, कैसे मैथ को करें। काफ़ी सारे आप लोगों का क्वेश्चंस भरा हुआ था कमेंट से, तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना मतलब कि इसके ऊपर आज हम लोग एक सेपरेट वीडियो बनाए और जिसमें आपसे बात करूंगा मैं कि कैसे आप लोग को इंग्लिश की प्रिपरेशन करनी है, कौन कौन सी आपको स्ट्रेटेजी अपनानी है और किस किस बुक को और किस किस आपको मटेरियल को आपको एक कलेक्ट करने होंगे, जिससे कि आपको मटेरियल एक कलेक्ट रहेगा तो आप जल्दी से ना BCCLE को आप क्रैक कर सकते हो। और साथ साथ हम लोग समझे हैं कि आप किस तरीका से मैथ की तैयारी कर सकते हैं, किस तरीका से आप मैकेनिक्स की तैयारी करते हैं। कंप्लीट सारा चीज़ों के बारे में मैं बताऊंगा इस वीडियो में, तो बने रहना वीडियो के अंत तक। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और दोस्तों में शेयर भी कर देना, क्योंकि आपके साथ साथ आपके दोस्त को भी मदद मिल जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले आप लोगों के साथ बात करना चाहूँगा कि किस बुक से मैंने कौन सी चीज़ें के लिए तैयारी की थी, यानी कि किस सब्जेक्ट के लिए मैंने कौन से बुक से मैंने तैयारी करा था, ठीक है। और मैं आपको बताऊंगा कि उसी बुक से आप भी अगर तैयारी करोगे तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें दी हुई रहती हैं और उसे आप इजीली BCCLE को क्रैक कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि मैथमेटिक्स के लिए मैंने कौन सी बुक से पढ़ा था। तो देखिए, यहाँ पे मैथमेटिक्स का भी बुक ये वाला रहा, ठीक है। ये आप स्क्रीन पे आप देख पा रहे होगे, ये जो है डॉक्टर केसी सिन्हा का, आप सब यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो ये 12th का है बुक, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ होगा 12th का, ठीक है। तो देखिए, इस बुक से मैंने जो है मैथ के जो भी चैप्टर्स हैं उसको कवर किए थे। इसमें पूरा सब्जेक्ट, पूरा आपका सिलेबस तो नहीं मिलता है, बट इसमें से चार या पांच आपके, ये जो मैक्सिमम चार यहाँ पे मिल चुके थे, ठीक है ना, चार यहाँ पे चैप्टर मिल चुके थे। कौन कौन से चैप्टर मिले थे मैं आपको बताता हूँ। देखिए, यहाँ पर हम लोग के कैलकुलस में पढ़ना था कंटिन्यूटी एंड डिफरेंसिबिलिटी, ठीक है। आप अगर स्क्रीन पे देख पा रहे होगे तो आप यहाँ पे देखना, यहाँ पे दिया रखा है, ठीक है। इसके बाद से हम लोग को पढ़ना था, तो इसके बाद से आप देख सकते हो यहाँ पे कि वेक्टर लिखा हुआ है, ठीक है। तो वेक्टर भी इसमें से मिल चुका था, जो कि काफ़ी सारी चीज़ें इससे मैंने सीखे हैं, तो वेक्टर से भी ये चीज़ मिल चुका था, ठीक है। और उसके बाद से हम लोगों को पढ़ना था सॉलिड ज्योमेट्री, तो यहाँ पे देख सकते हो डायमेंशनल ज्योमेट्री करके लिखा हुआ है, तो यहाँ पे सॉलिड ज्योमेट्री भी मिल चुका था। तो मैंने मैथ का इसी से तैयारी करा था, ठीक है, और मैथ से मैंने इसी से क्वेश्चन को सॉल्व किए थे और प्रैक्टिस भी इसी से किए थे, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मतलब कि बी एस ग्रेवाल का भी मैथ, काफ़ी लोग का सजेशन होता है कि बी एस ग्रेवाल के मैथ से भी काफ़ी चीज़ें कवर हो जाती है, तो मैं उसको भी कहूँगा कि अगर आपके पास वो है तो आप उससे पढ़ लीजिए, बट मेरे पास उस समय नहीं है, नहीं था, अभी भी नहीं है, तो मैं इसी से पढ़ा था, ठीक है। बी एस ग्रेवाल भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मैंने PDF भी देखे हैं उसके, तो अगर आप बी एस ग्रेवाल को प्रीफर करते हो तो भी आपके लिए काफ़ी बेटर होता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा लेवल अच्छा खासा होता है, BSc लेवल का होता है, तो उसको थोड़ा सा समझना टफ होता है। तो इसीलिए मैंने इसी को ज़्यादा सजेशन करता हूँ कि इसमें चीज़ें वैसे ही भी दिए हुए हैं जो आपके एग्जाम में पूछ रहते हैं और पूरा कंसेप्ट अच्छा से दिया हुआ है, तो मैं इसको प्रीफर करता हूँ मैथ के लिए, ठीक है। अब इसके बाद करते हैं कि हम लोग जो है मतलब इंग्लिश के लिए किस तरीके से हमने पढ़ा था। तो इंग्लिश के लिए मैं आपको बता दूं कि देखिए, इंग्लिश के लिए जो है जनरल इंग्लिश का एक ब्लूप्रिंट का बुक आता है, ठीक है। ये इसको आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये आप में से काफ़ी सारे लोगों के पास होगा भी, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा बुक है और सबके पास इजली अवेलेबल भी होता है, ठीक है। ये जनरली जो है सब किसी के पास होता ही होता है, ठीक है। तो इसी बुक से मैंने तैयारी करा था, और इस बुक में सभी बुकों को, इस पूरे बुक को नहीं पढ़ना होता है आपको, जो सिलेबस में दे रखा उस बुक से आपको इसमें मैच कर लेना और आपको पढ़ लेना। इसमें ज़्यादातर मेनली मैंने मिसलेनियस जो दे रखा था, इसका ये इंपॉर्टेंट था, मिसलेनियस से पढ़ा था मैंने, ठीक है। और उसके बाद से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इसमें कुछ दे रखा है, कुछ एंटोनिम्स सिनोनिम्स भी दे रखे हैं, तो इस बुक से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। ये बुक देख सकते हो फट चुका है, फिर भी मैंने इसी से पढ़ा था, ठीक है। तो इस तरीके से इस बुक से जो है आप इंग्लिश का तैयारी कर लेना, ठीक है। आप में से काफ़ी सारे लोगों का कमेंट आया था कि बुक बता दो, बुक बता दो, तो इसीलिए मैं बुक को बता रहा हूँ एक्चुअली, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद से मैं इसके बाद से जो है ना मैथ का हो गया मैकेनिक्स का। अब देखिए, मैकेनिक्स के मैंने कोई भी बुक नहीं लिए थे, मेरे पास मैकेनिक्स का अभी भी बुक नहीं है कोई सा भी, ठीक है। लेकिन मैकेनिक्स का मैंने यूट्यूब से ही सीखा था, जितने चीज़ों को कवर किया था यूट्यूब से ही किया था, लेकिन मैकेनिक्स का मैंने प्रॉपर यूट्यूब से भी एक एक टॉपिक को सिलेबस में देख देख करके उसको यूट्यूब पर सर्च करता था, और सर्च करने के बाद से ये जो भी टॉपिक आता था उसके रिगार्डिंग मैंने फुल कंसेप्ट डीप में जा करके पढ़ता था और एक अपना नोट्स तैयार करता था। मैं आपको नोट्स भी दिखा देता हूँ कि नोट्स भी मैंने यहाँ पे तैयार करा होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने इस नोट्स को तैयार करा था, जिसमें कि आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे पहले मैंने जो कवर किया था, ये देख सकते हैं कि फिक्शन वगैरह यहाँ पे सब चीज़ मैंने कवर किया था। तो इसमें मैंने मैकेनिक्स का ये पूरा नोट्स बनाया हुआ था, ठीक है। तो इस चीज़ को आप देख सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद से जो मैकेनिक्स का मैंने और भी नोट्स बनाए हुए हैं, ठीक है। तो ये और भी नोट्स है, आप देख सकते हो यहाँ पे, ये सब जो भी है मतलब मैकेनिक्स का मैंने नोट्स ही बनाया था, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है ना। तो ये सब मैकेनिक्स का मैंने नोट्स बनाया था। तो आप भी अगर आपके पास मैकेनिक्स का कोई सा बुक होगा तो उससे काम चल जाएगा, आप उससे तैयारी करना, ठीक है।
कोई भी दिक्कत आती हो, कोई भी प्रॉब्लम आती हो, तो यूट्यूब पे जाके आप सर्च करना उस टॉपिक को, उस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो आते हैं, उसको आप देख करके एक प्रॉपर अपना मैकेनिक्स का नोट्स बना लेना, ठीक है। अब देखिए इसके बाद से हम लोग मैकेनिक्स का, मैथ का, इंग्लिश का बात करिए, ठीक है। अब इसके बाद आता है कि प्रैक्टिस के लिए कौन सा बुक हम लोग ले, ठीक है। तो जनरली बीसीसीएलई मतलब कि नेशनल लेवल पे कोई ज़्यादा बड़ा ये है नहीं एग्जाम की, उसके लिए कोई ज़्यादा ऑथर्स होंगे, ठीक है। और जो लीड दे रखा ना, ये वाला बुक जो है मार्केट में इजिली अवेलेबल होता है, ठीक है, जो कि कुछ बीके त्यागी का है, ठीक है। तो इस बुक से भी मैंने प्रैक्टिस किए थे, हालांकि ये बुक जो है बीसीएलई के जो सिलेबस है उससे प्रॉपर मिलता भी नहीं है, लेकिन इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि उससे मिल जाता है। जैसे कि आप, मैं बता दूँ कि इसमें देखिए, इसमें जो है मैं आपको दिखाई देता हूँ, मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। देखिए ये जो है इधर, देखिए ये सिलेबस आप देख लीजिएगा एक बार, ठीक है ना। इसमें जो दे रखा है फिजिक्स दे रखा है, फिजिक्स तो हम लोगों को पूछता नहीं है, ठीक है। इसमें जो है फिजिक्स के बाद इसमें केमिस्ट्री भी दे रखा था, देख सकते हो ये कि केमिस्ट्री भी इसमें दे रखा, तो केमिस्ट्री भी पूछता नहीं है, लेकिन इसका मैथ काफ़ी ज़्यादा काम आता है और इंग्लिश, ठीक है। तो इसको, इस बुक को आप प्रैक्टिस के लिए ले सकते हो, ठीक है। और प्रैक्टिस के लिए मैं आपसे बात करूँ कि प्रैक्टिस के लिए अगर आप चाहते हो कि प्रैक्टिस करो, तो मुझे 50 रुपीज़ आपको पे करना होगा। प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको 10 प्रैक्टिस सेट अभी तक मैंने तैयार कर लिए हैं, ठीक है। तो 10 प्रैक्टिस सेट आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो उससे भी आप चाहो तो प्रैक्टिस कर सकते हो, मैं आपको सॉल्यूशन के साथ दूंगा, ठीक है। तो उससे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। और फर्दर मैं इंग्लिश के लिए और भी चीज़ों को मतलब कि करेक्ट किया था, जैसे कि आपको पता होगा कि जो है मतलब कि पटना में एक क्लास भी चलता होगा, ठीक है। तो पटना के क्लास जो चलते हैं उस, वहाँ से मैंने ये सब नोट्स अवेलेबल कराए थे, ठीक है। तो ये नोट्स इंग्लिश के मैंने अवेलेबल कराए थे, ये नोट्स आप लोग से, आप लोगों के लिए भी वीडियो बनाता हूँ तो इसका नोट्स का हेल्प लेता हूँ, ठीक है। तो इस नोट्स से भी आप तैयारी कर सकते हो। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें दिए थे कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स, फ्रेज, और उसके बाद से आपका जो यहाँ पे नरेशन वॉइस भी, एक एक कभी कभी क्वेश्चन पूछा था, वो सब इसमें दिया था, ये बुकलेट था, ठीक है। और इसके बाद से ये वाला प्रैक्टिस के लिए मैंने लिया था, ठीक है। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें दे रखे हैं, जिसे देख सकते हो यहाँ पे प्रैक्टिस सेट है, यहाँ पे प्रैक्टिस सेट कुछ करके लिखा हुआ होगा, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ इधर प्रैक्टिस ही है। तो प्रैक्टिस सेट के लिए मैंने ये सब बुकलेट लिया हुआ था, जैसे आपको बीसीसीएल में पूछा जाता है उसी तरीका से इसमें प्रैक्टिस सेट दे रखा है। तो आप चाहो तो इसको भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो अगर पटना में कोई कॉन्टेक्ट कर रहता होगा तो उससे आप मिलना, अगर कोई कॉन्टेक्ट में नहीं मिलता होगा तो आप मेरे कॉन्टेक्ट में रहना, मैं आपको पूरा मदद करूँगा, ठीक है। अब इसके बाद से मैंने वोकैब मेरा काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर था, आपको पता भी होगा कि वोकैब थोड़ा सा सबसे डर लगता है। तो मैंने वोकैब के लिए एक जो है एक दोस्त से ही अवेलेबल कराया था इस चीज़ को, ठीक है। तो इसमें काफ़ी सारा वोकैब दिया हुआ है, ठीक है। आप देख सकते हो वोकैब का समाधान ही लिखा हुआ है यहाँ पे, तो काफ़ी सारे इसमें वोकैब दे रखे थे, तो मैंने इसी से वोकैब का तैयारी करा था, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने इंग्लिश का तैयारी करा था। तो कंप्लीट मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी कि किस तरीके से मैंने तैयारी करा था, कहाँ से तैयारी करा था। और आपको भी सजेस्ट करूँगा कि अगर आप इन सब मटेरियल्स को लेना चाहते हो तो आप मुझे जो है मैसेज करना, मैं आपको इन सब का PDF प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और फिजिकली तो किसी से मिल नहीं पाऊंगा, तो दे नहीं पाऊंगा, ठीक है। ये नोट्स सब मेरे पास पड़े ही रहते हैं, किसी काम के नहीं है, क्योंकि अभी तो मैं उस चीज़ को पढ़ता नहीं हूँ। अभी तो BTech चल रहा है, तो उसमें समय सेमेस्टर की क्लासेस करता हूँ, तो सेमेस्टर का ही पढ़ाई होता है, तो इन सभी का कुछ काम होता नहीं है बेसिकली। बट आप लोगों के लिए रखा हूँ कि आप लोगों की कोई डाउट होती है, कोई क्वारी होती है, तो आपको रिजॉल्व कर सकूँ। तो गाइज ये मैंने कंप्लीट चीज़ें बताई हैं, ठीक है। और मैं साथ साथ लास्ट में एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि अगर आप ईमानदारी से पढ़ते हो तो इन सभी चीज़ों को आप कलेक्शन करना स्टार्ट कर दीजिए, और कलेक्ट करके सभी सोर्सेज को एक जगह करिए, एक अपना प्रॉपर नोट्स बनाइए, और उस नोट्स से आप 4 बार 5 बार रिविजन करके एग्जाम में जाइएगा, 100% आपका BCCL में सिलेक्शन हो जाएगा। तो गाइज इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं, अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट आती है तो नीचे कमेंट करना, मैं आपको पूरा रिप्लाई करूंगा, और जो भी डाउट होंगे आपको रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ, जय हिंद दोस्तों। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देगा। चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।